दोस्तों यहाँ हम इस बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ रेडिएशन की वजह से आधे से ज्यादा लोग मर चुके हैं। एक दिन एक बड़ा रेडिएशन का तूफान उस बूढ़े आदमी के बंकर की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके साथ एक डॉग भी होता है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो आदमी एक दिन ऐसा रोबोट बनाता है जिसमें वो इंसानों का डाटा फीड कर देता है, जिससे वो रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह बोलने और चलने लगता है। वो लोग रोबोट को लेकर अपने वैन से दूर निकल जाते हैं, पर रास्ते में वो तूफान उन्हें पकड़ लेता है। बूढ़े आदमी को लगता है कि उसका आखिरी घर भी उड़ जाएगा, पर वो रोबोट अपने आप ही गाड़ी को रस्सी से बांधे रखता है। वो रोबोट एक छोटे बच्चे की तरह होता है, यानी उसे जो भी चीजें सिखाओगे तो वो तुरंत सीख जाएगा। असल में उस आदमी को रेडिएशन की वजह से कैंसर था, इसीलिए वो अपने रोबोट को उस दुनिया में जिंदा रहने की अच्छी सी ट्रेनिंग देता है, जिससे बूढ़ा आदमी दुनिया से जाने के बाद वो रोबोट ही उसके डॉग का ख्याल रख सके। क्या इतने होशियार रोबोट्स आने वाले वक्त में बन पाएंगे? हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।